नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ। दोस्तों यार अजीब अजीब घटना मिल रहे हैं यार, बहुत ही सैड मौसम वाला न्यूज है, वो भी खेसारी लाल यादव जी के फैंस को लेकर। अब देखो आगे क्या होता है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि उस समय हमने न्यूज बनाया भी था कि शायद खेसारी लाल यादव गिरफ्तार होंगे, क्योंकि उनके नाम पर एफ आई आर हुआ था मृत्युंजय पांडे के द्वारा, जो कि जमीन लेन देन में पैसा के कुछ हेरा फेरी चेक बाउंस के कारण हुआ था। तो बात यह था कि घटना 2019 का था, जून महीना में एक जमीन खेसारी लाल यादव अपने गांव में गिरी क्षेत्र में खरीदते हैं। खरीदने के बाद सभी 24 अरे कितना लाख हुआ तो मालूम नहीं यार, लेकिन इतना मालूम है कि हाँ पैसा का लेन देन हुआ था और चेक दिए थे खेसारी लाल यादव जी, और चेक बाउंस कर गया था। और जब चेक बाउंस हुआ था फिर उनके नामों पर FIR कर दिया गया उनके ही गिरी क्षेत्र, जो कि रक्सौलपुर कोई चट्टी है छपरा जिला में, तो वहीं पर केस हुआ था। केस होने के बाद फिर खेसारी लाल यादव जी अभी जो घूम रहे हैं वो एक बार जमानत पर निकले हुए हैं, और फिर ये दोबारा कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जिससे खेसारी लाल यादव के हो सकते हैं 90% चांस शायद गिरफ्तार हो सकते हैं। अब पूरा मैंने पेपर मामला पढ़ा नहीं है, ऊपर के ऊपर से बात बता रहे हैं। कारण ये है ना कि ये जो कोर्ट है जारी किया है गैर वारंट जो होता है जिसमें गिरफ्तारी किया जाता है, दरअसल खेसारी लाल यादव जी न्यायालय में एक बार जाकर चौंक कर और जमानत पर छूटे, और जमानत पर छूटने के बाद फिर जब तारीख आया उसमें खेसारी लाल यादव न्यायालय में शामिल नहीं हो पाए, और जब बार बार तारीख होता है उस न्यायालय में जिसके नाम पर FIR होता है वो शामिल नहीं होता है, अपने पक्ष नहीं रखता है, तो फिर कोर्ट डिसाइड करता है वारंट मतलब गिरफ्तारी, ताकि फिर से कोर्ट में बुलाया जाए और उनकी बात क्या है वो बात खुद अपनी रखे, और जो कोर्ट जीता हार वो तो कोर्ट में सबूत के तौर पर चलता है। अब देखना पड़ेगा कि खेसारी लाल यादव शायद गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं, या उनका वकील क्या कहता है, आगे क्या होगा, ये तो फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आएगा। इतना है कि शायद गिरफ्तार हो भी सकते हैं, और शायद ये तो यार ये समझ सकते हैं बड़े सुपरस्टार की ये धंधा है यार, हम लोग क्या होगा, हम बहुत ही दुखी खबर हैं। तो घटना यही है, पेपर में क्या दिया है वो मालूम नहीं है, पूरा होगा तो हम जरूर लेकर लिस्ट लिख कर और आपको बताएंगे, ऐसे ऊपर से क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ यार, लेकिन ये है बहुत दुखी खबर है ये सब सुनकर। जैसे केस फौदारी या जेल वारंट जारी न्यायाधीश ये सब जैसे ही नाम सुनता हूँ यार दिल में कप कपी आ जाता है यार, सारा कुछ जितने भी इंजॉयमेंट होता है चेहरा पर लाल बत्ती बढ़ जाता है, अब दौड़ धूप करो इधर से उधर जाओ, ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल जीवन भर में जेल में चल जाएंगे, हो सकता है कि जाएंगे कोर्ट में फिर से बेल हो जाएगा। खैर देखते हैं क्या होता है इस मामले में। नमस्कार।